भदोही जिले के हाईवे के किनारे संचालित होने वाले होटल व ढाबों पर देह व्यापार का धंधा किए जाने का भंडा फोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सत्यम न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पुलिस बल ने गोपीगंज इलाके के हाईवे के किनारे चलने वाले होटल व ढाबों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से होटल व ढाबों पर हड़कंप मच गया। पुलिस की रेड पड़ते ही कई युवक चोर दरवाजे से सिर्फ नैकर में ही भागते नजर आए। दोपहर बाद अचानक गोपीगंज पुलिस ने होटल व ढाबों पर छापेमारी की है। लंबे समय से हाईवे के किनारे संचालित होने वाले होटल व ढाबों पर यह अनैतिक देह व्यापार का धंधा कई वर्षों से फल फूल रहा था। इस अनैतिक गोरख धंधे को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर भी चलाई थी। सत्यम न्यूज की खबर पर अब मुहर लग गई है। सत्यम न्यूज की खबर एक बार फिर सच साबित हुई है। गोपीगंज के हाईवे के किनारे संचालित होने वाले 5 होटल ढाबों पर पुलिस ने छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोपीगंज के छतमी वाजपेयी ढाबे से 3 व गोपीगंज के पड़ाव स्थित AFC होटल से 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। चोरी छिपे इन होटल व ढाबों में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक होटल व ढाबा संचालक ही भोली भाली युवतियों को इस गंदे धंधे में फंसाकर उनसे देह व्यापार करा रहे थे। भदोही के गोपीगंज में संचालित होने वाले इन ढाबा व होटलों में काफी समय से देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था, लेकिन नवागत SP डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के आते ही इस गंदे धंधे का भंडाफोड़ हो गया है। SP की सख्ती के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए युक्तियों सहित ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। उधर CCTV फुटेज के जरिए भी युवकों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। छापा पड़ते ही कई युवक पीछे के रास्ते चोर दरवाजे से भाग खड़े हुए। गोपीगंज हाईवे के किनारे संचालित होने वाले होटल व ढाबों पर यह गंदा धंधा लंबे समय से फल फूल रहा था, लेकिन ऐसे होटल ढाबा संचालकों पर कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासन न जाने क्यों कतरा रहा था, लेकिन नवागत SP डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने कार्यभार ग्रहण करते ही ऐसे ढाबा होटल संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस ने छतमी में संचालित होने वाले वाजपेयी ढाबा, गोपीगंज के पड़ाव स्थित AFC होटल सहित लगभग आधा दर्जन होटल व ढाबों पर छापेमारी की है। होटलों से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। लंबे समय से ऐसे होटल व ढाबों पर देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। शाम ढलते ही होटल व ढाबों की छतों पर डांस होते थे। गोपीगंज ही नहीं, भदोही जिले के कई ऐसे होटल व ढाबे हैं जहां पर यह गंदा धंधा फल फूल रहा है, और शाम ढलते ही यहां सफेद पोशों का जमावड़ा लग जाता है। भदोही शहर में तो कई ऐसे होटल हैं जो कागजों पर तो बंद पड़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे होटलों पर धड़ल्ले से यह गंदा धंधा फल फूल रहा है। गोपीगंज के हाईवे किनारे छतमी सहित अलग अलग स्थानों पर संचालित होने वाले होटल ढाबों पर चोरी छिपे देह व्यापार का धंधा चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही गोपीगंज के छतमी वाजपेयी ढाबे पर इसी देह व्यापार के धंधे के नाम पर हड़िया के कुछ पुलिस कर्मी अवैध वसूली के लिए पहुंचे थे, जहां ढाबा संचालक ने हाथापाई करते हुए सभी को गिरफ्तार करवा दिया था। सोमवार दोपहर बाद भारी पुलिस बल के साथ क्राइम ब्रांच गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह, ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी, जंगीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश प्रकाश ने छापेमारी की है। छापेमारी में कई युवतियों के साथ ढाबा संचालक गिरफ्तार हुआ है। लगभग आधा दर्जन होटल व ढाबों पर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। पुलिस व क्राइम ब्रांच ने होटल के रेस्टोरों को कब्जे में ले लिया है। छापेमारी होते ही होटल व दरवाजों के पीछे चोर दरवाजे से कई युवक फरार हो गए।